दोस्तों, आज हम आ रही हैं एक्सरसाइज 3.3 से। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैलोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। क्या कह रहा है? हमें एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है लेकिन वो पैलोग्राम नहीं होना चाहिए, और उसके अपोजिट एंगल भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो पहले आपको समझना पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक प्लेन फिगर होती है, ठीक है, एक प्लेन फिगर जिसकी कितनी साइड होती है? 4। मतलब ये भी एक क्वाड्रिलेटर है। ये क्वाड्रिलेटर आप कैसे बनाओ जिसकी 4 साइड होगी वो क्वाड्रिलेटर। 1 2 3 साइड, ये 1 2 3 4 साइड होगी वो क्या होगी? क्वाड्रिलेटर। लेकिन पैलोग्राम क्या होता है? पैलोग्राम की 4 साइड होती है, जैसे पैलोग्राम है, ये क्या है? पैलोग्राम है। लेकिन इसके अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ये वाली साइड इसके बराबर होती है, ये वाली साइड इसके बराबर होती है, और अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। ओके, क्वाड्रिलेटर जितनी भी फिगर 4 लाइन से बनी होगी, 4 लाइन सेगमेंट से बनी होगी, वो सारी क्या होंगे? क्वाड्रिलेटर होंगे। लेकिन और जितने और पैलोग्राम जितने भी पैलोग्राम भी क्वाड्रिलेटर होता है, लेकिन इसके अपोजिट पैलोग्राम क्या होती है? अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। मतलब ये साइड इसके बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होती है, और ये एंगल अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये एंगल इसके बराबर, वो ये एंगल इसके बराबर, ठीक है। तो कह रहे क्वाड्रिलेटर होना चाहिए लेकिन पैलोग्राम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं? पैलोग्राम की प्रॉपर्टी देखो आप, क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी जिसकी 4 साइड हो वो सारे क्वाड्रिलेटर है, और पैलोग्राम जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है, और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब मुझे क्वाड्रिलेटर तो चाहिए लेकिन पैलोग्राम नहीं होना चाहिए, और बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल आर इक्वल, और अपोजिट एंगल भी क्या होना चाहिए? इक्वल। तो हमारी वो फिगर क्या होती है? देखो, अगर हम इस फिगर ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, ये एग्जैक्टली काइट, अगर हम इसको काइट की तरह देंगे तो इसमें क्या होता है? हमारी हमारी क्या है? पैलोग्राम के हमने बोला अभी तक ये एंगल्स क्या होंगे? इससे इक्वल हो जाएंगे। देखो कह रहा है पैलोग्राम, बट नॉट पैलोग्राम, पर अपोजिट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल आर इक्वल। इसके जो ये एंगल होते हैं क्या होते हैं? अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, लेकिन ये साइड है पैलोग्राम की, क्या होती है? ये इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है। तो मीन ये और ये बराबर नहीं होती, ये और ये बराबर होती है, ये बराबर होती है। पैलोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसके अपोजिट ये हो रही काइट की, ठीक है। तो इसको नेमिंग दे दो ए बी सी टी। देखो पैलोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं लेकिन काइट में अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती। ओके, ये और ये इक्वल होती है, और ये इक्वल होती है। ओके, तो वो फिगर क्या होती है? हमारी काइट होती है। ओके, तो थैंक यू।